देखें, एसबीआर का जो पेपर है, प्रीवियसली इट वाज पेपर P2 एंड नाउ इट्स स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग पेपर। इस पेपर का अगर आप बैकग्राउंड पे जाएंगे तो आपके पास बेसिक F3 का पेपर होता है, उसके बाद आप F7 के पेपर में मूव करते हैं, और उसके बाद आपके पास एडवांस रिपोर्टिंग का पेपर आता है, दैट इज SBR। तो बेसिकली जो SBR का पेपर आपको पढ़ना है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपको F7 की जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना SBR में आपको बहुत सारी चीज़ें आसान लगेंगी, रिपीट होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि कंप्लीट F7 ऑल टुगेदर ईच एंड एवरीथिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ SBR। तो SBR में वो तमाम स्टैंडर्ड्स आते हैं जो आप लोगों ने IAS और IFRS FR के कोर्स में पढ़े होते हैं। पेपर पैटर्न डिफरेंट है, IAS IFRS जिस तरीके से F7 में पूछे जाते हैं वो तरीका डिफरेंट है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपके पास अगर है तो वो सारी की सारी आपको आगे काम आने वाली। सेकेंड, जो F7 आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिक नो हाउ ली थी वो सारी आपको SBR के में काम आने वाली। तो हमारा जो सिलेबस है, बेसिकली वो सिलेबस जो है वो क्या क्या चीजें कवर करता है, क्या क्या एस्पेक्ट्स उसके अंदर कवर किए जाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। आपका जो पेपर है, 3 आवर्स का जो आपका पेपर होना है, उस पेपर के अंदर आपके पास 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन आपके पास जो है दैट इज वर्थ 50 मार्क्स, 50 मार्क्स का सेक्शन होता है। आपका पासिंग स्कोर है 50 मार्क्स, तो सेक्शन ए में 50 मार्क्स अवेलेबल हैं। सेक्शन ए में आपके पास 2 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास जो सेक्शन ए में पूछा जाता है वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाता है। कंप्लीट नहीं होता, कुछ पार्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं। इसके साथ आपको कुछ IAS और IFRS के इश्यूज भी उस क्वेश्चन के अंदर दिए जाते हैं, जैसे आपको फॉर एग्जांपल IAS 37 का कोई इशू दे दिया गया, आपको IFRS 15 रेवेन्यू का कोई इशू दे दिया गया, तो वो इस 30 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको एड्रेस करना होता है। लेकिन ये है कि कंसोलिडेशन की जो वेटेज है वो हर एग्जाम के अंदर वेरी कर सकती है, तो आप ये माइंड बना के जाएंगे अपने एग्जाम में कि मुझे 15 to 20 मार्क्स की कंसोलिडेशन शायद मिल जाए एग्जाम में। और कंसोलिडेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, कंसोलिडेशन में थोड़ी सी डेप्थ मौजूद है, लेकिन कंसोलिडेशन अगर मैनेज किया जाए तो आसान टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक नहीं। तो कंसोलिडेशन जितना भी आएगा, चाहे 15 मार्क्स का आए 20 मार्क्स का आए, कंसोलिडेशन में अच्छा स्कोर होना आपको पास करने में हेल्प आउट करेगा। अच्छा, प्रीवियसली क्या होता था, जब हम कंसोलिडेशन कैलकुलेट करते थे F7 में भी और IAS वगैरह भी, तो वहां पर ज्यादातर फोकस न्यूमेरिकल्स पे होता था कि आप पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स तो आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन साथ साथ उन न्यूमेरिकल्स की आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है, लाइक हाउ यू कैलकुलेट गुडविल, गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, NCI आपने कैसे कैलकुलेट किया। तो आपको कैलकुलेशन भी करनी है और साथ साथ उसकी थ्योरेटिकल डिस्कशन भी आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन जो आपका आएगा वो 20 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आपको अगेन रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस पता होंगी, लेकिन यहाँ पर फोकस होता है एथिक्स के साथ। आपको सिनेरियो दिया जाएगा, वहाँ पर कुछ एथिक्स के इश्यूज होंगे, कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस डायरेक्टर्स कर रहे होंगे, किसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को वायलेट किया जा रहा होगा। आपको एथिकल कोड्स जो आपने अकाउंटेंट के पढ़े हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, उसके अकॉर्डिंगली उनको को एड्रेस करना होगा कि यहाँ पर कौन सी वायलेशन हो रही है, कौन सा एथिक्स की वायलेशन हो रही है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ट्रीटमेंट प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं हो रहा। सो मल्टीपल अकाउंटिंग इश्यूज यहाँ पर भी आपके पास हो सकते हैं, लेकिन फोकस होगा एथिक्स के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 1 में फोकस होगा कंसोलिडेशन पर, और कुछ 2 या 3 आपके अकाउंटिंग रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं।
देन इसकी फर्दर अगर और डिटेल में जाएं तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। कैलकुलेशन भी आएगी, कैलकुलेशन की थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन भी देंगे आप। ग्रुप अकाउंटिंग में आपके पास कंसोलिडेटेड कैश फ्लोज भी मौजूद हैं, तो जो कैलकुलेशन आप करेंगे उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फुल सेट ऑफ ग्रुप्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ना आपसे पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को दिया जाएगा, बल्कि आपको कोई पार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूछा जा सकता है। सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा, आपको कैलकुलेशन की डिस्कशन भी करनी पड़ेगी साथ साथ। और यहाँ पर जो कॉन्सोलिडेटेड रिलेटेड IFRS हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे IFRS 10 ग्रुप अकाउंटिंग को डील करता है, IAS 28 एसोसिएट को डील करता है, IFRS 11 ज्वाइंट वेंचर या ज्वाइंट अरेंजमेंट को डील करता है। तो जब आपसे थ्योरी पूछी जा रही है तो इसका मतलब है ये तमाम IFRS जो कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डील करते हैं, इसके अलावा भी हैं, प्राइमरीली मैंने 3 IAS के नाम यहाँ पर रेफर किए हैं, वो आपको अच्छी तरह से उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। लाइक अगर सब्सिडरी बन रही है तो कंट्रोल की क्या डेफिनेशन है, कंट्रोल कैसे आइडेंटिफाई होता है, एसोसिएट बन रहा है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे आइडेंटिफाई होता है, उसके पीछे आपकी पूरी सारी डिस्कशन होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट दैट एथिक्स एंड इंटेग्रिटी आर सेंट्रल टू द अकाउंटिंग प्रोफेशन एंड बी एबल टू एक्सरसाइज सेंसिटिव प्रोफेशनल एंड मोरल जजमेंट्स। तो यहाँ पर उन्होंने डाल दिया है और इसके अंदर जो है वो प्रोफेशनल मार्क्स भी मौजूद होते हैं। प्रोफेशनल मार्क्स जो ऑप्शनल पेपर में इंट्रोड्यूस हुए हैं, अभी उसने SBR के पेपर को हिट नहीं किया है, तो SBR का पेपर 100 मार्क्स का होता है, उसमें फ्यू प्रोफेशनल मार्क्स हमसे पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में आप जाएंगे तो अब 50 मार्क्स आपके पूरे हो चुके हैं, तो सेक्शन बी रिमेनिंग आपके 50 मार्क्स को टारगेट करेगा, 50 मार्क्स फ्रॉम सेक्शन बी। यहाँ आपको 2 क्वेश्चन एड्रेस करने पड़ेंगे, ईच वर्थ 25 मार्क्स। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे या केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे या ऐसे बेस्ड होंगे, डिस्कर्सिव एलिमेंट ज्यादातर डिस्कर्सिव एलिमेंट होगा, कंप्यूटेशनल एलिमेंट भी हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। सेक्शन बी के अंदर आपके पास किसी एक सिंगल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से सवाल आ सकता है या मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से सवाल आते हैं, ज्यादातर चांसेस हैं कि मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से सवाल आएंगे। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस मेजरमेंट की कोई चीजें भी इसमें पूछी जा सकती हैं, जो हम F7 के अंदर रेशियो एनालिसिस और उसे थोड़ा सा एडवांस चीजें समझते हैं। 2 प्रोफेशनल मार्क्स आपके अवेलेबल होते हैं सेक्शन ए में, 2 आपके पास अवेलेबल होते हैं सेक्शन बी में, राइट? कैसे हासिल किए जाएंगे वो ग्रेजुअली हम उस पर बात करेंगे। अच्छा, करंट इश्यूज आते हैं पेपर में, कुछ करंट इश्यूज जो आजकल लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, तो वो करंट इश्यूज कैसे पूछे जाते हैं, सेक्शन ए में पूछे जाएंगे, सेक्शन बी में पूछे जाएंगे, आप उसको कैसे कवर करेंगे, इट्स अ बिग चैलेंज। जैसे लास्ट टाइम अभी एग्जाम से पहले आई गेस एंड ऑफ अगस्त लाइक 29th या 30th को मैंने स्टूडेंट्स को कुछ करंट इश्यूज निकाल के दिए थे रीड करने के लिए। वन ऑफ द करंट इशू वाज द अकाउंटिंग फॉर क्लाइमेट चेंज। एज यू नो दैट कि आजकल क्लाइमेट चेंज का बड़ा एक मसला चल रहा है दुनिया में, तो क्लाइमेट चेंज की अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस क्या होती है? मैंने एक हैंडआउट प्रिपेयर किया था उसका और वो मैंने स्टूडेंट को रीड करने को दिया था, एंड सरप्राइजिंगली क्लाइमेट चेंज पेपर में आया करंट इश्यूज। तो बाज दफा ऐसा होता है कि हम करंट इशू प्रिडिक्ट करते हैं और वो करंट इश्यूज रेलेवेंट एग्जाम में बाज दफा आ जाता है। करंट इश्यूज के ऊपर कोई पूरा क्वेश्चन नहीं आता 25 मार्क्स का, पार्ट क्वेश्चन सेक्शन ए में भी आ सकता है और सेक्शन बी में भी आता है, किसी के साथ मिलकर आ जाता है। एज इट इज रिटन हियर कि वो सेक्शन ए में भी पूछा जा सकता है, बी में भी पूछा जा
जा सकता है, फुल क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, पार्ट क्वेश्चन होगा और किसी सिनेरियो के अंदर उसका कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ होगा कि जैसे आपका सिनेरियो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बनाया, उसमें जहाँ उसने बहुत सारी चीजें पूछी वहाँ करंट इश्यू का भी पूछ लिया। तो ये ओवरऑल हमारे पास आपके सिलेबस के दो सेक्शंस, 50 मार्क्स फ्रॉम सेक्शन ए एंड 50 मार्क्स फ्रॉम सेक्शन बी। फोकस पेपर का जो है आपका वो है IAS एंड IFRS की एप्लीकेशन। सिर्फ याद करने से काम नहीं होगा, सिर्फ याद करने से आपका पेपर पास नहीं होगा, आपको सिनेरियो बेस्ड जो भी डेटा दिया जाएगा उसके अंदर आपको गिवन IFRS अप्लाई करना होगा। आपको जो भी प्रॉब्लम बताया जाता है किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, पहले आपको उससे रिलेटेड थ्योरी लिखनी पड़ेगी। रेलेवेंट थ्योरी लिखने के बाद फिर आप जो उसका न्यूमेरिकल कॉन्टेक्स्ट होगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपसे जस्टिफाई किया जाएगा, वो फिर आप बताएं। अगर आपने थ्योरी नहीं लिखी और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दिया तो सिर्फ कुछ मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने थ्योरी सारी करेक्ट लिखी और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपसे थोड़ा बहुत गलत भी हो गया तो आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट होंगे, मेजोरिटी मार्क्स आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के ऊपर, स्टैंडर्ड का डेटा प्रोड्यूस करने के ऊपर एग्जाम में मिल जाते हैं। तो IAS और IFRS आपको किस तरह से पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा डीप डाउन डेप्थ में जाके पढ़ने। इट्स नॉट लाइक FR। FR में तो स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि सेक्शन सी में एक रेशो का सवाल आना है 20 मार्क्स का, सेक्शन सी में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का सवाल आ जाएगा, एडजस्टमेंट रूटीन वाली होती हैं, कोई टफ IAS का सवाल वहां पे पूछा नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डिमांड किया जाता है कि अगर आप सक्सेसफुली इस पेपर को पास करना चाहते हैं तो कैंडिडेट शुड बी एबल टू अप्लाई फंडामेंटल एथिकल एंड प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स टू एथिकल डायलेमा एंड डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। अकाउंटेंट के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मसाइल हैं, विंडो ड्रेसिंग होती है, क्रिएटिव अकाउंटिंग होती है, मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की जाती है। ये सब चीजें अगर लीगल वे में की जाएं, एथिकल वे में की जाएं, जस्टिफाइबल वे में की जाएं तो दैट इज परमिसेबल। लेकिन अगर इसके पीछे कोई बैड इंटेंशन है, प्रॉफिट मैनिपुलेट करना है, रेशोस को मैनिपुलेट करना है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सिमिलरली इवैल्यूएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड क्रिटिकली डिस्कस चेंजेस इन अकाउंटिंग रेगुलेशन। यानी कि करंट इश्यूज की बात कर रहा है कि कोई भी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको अप्लाई करना आना चाहिए और उसको क्रिटिकली डिस्कस करेंगे कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है। अप्लाइंग प्रोफेशनल जजमेंट इन द रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ रेंज ऑफ एंटिटीज। रेंज ऑफ एंटिटीज का मतलब ये है कि जब आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिपोर्ट करते हैं तो आपके पास सिंगल एंटिटी भी हो सकती है, ग्रुप भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज भी हो सकती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती हैं, जहां एग्जामिनर जिस कंपनी के बारे में आपको सिनेरियो देगा। वेरी इंपॉर्टेंट इशू, प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एंटिटीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। लाइक F7 की तरह कोई 20-25 नंबर का सवाल नहीं आएगा, बट समटाइम इट वर्थ मोर देन 10 मार्क्स। कम्युनिकेट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस एंड पोटेंशियल चेंजेस इन अकाउंटिंग रेगुलेशन ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या आजकल के वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं उसके ऊपर बात की जाएगी। एंड डेमोन्स्ट्रेट इम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स। आपको CB सिस्टम पे जो पेपर देना है तो उसके लिए जो नेसेसरी स्किल्स आपको चाहिए वो भी आपके पास होनी चाहिए, कैलकुलेशन करने के लिए और थ्योरी को प्रेजेंट करने के लिए। ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझे जाते हैं, जिनके ऊपर आपका बहुत ज्यादा इम्फेसिस होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। इसमें कुछ F7 वाले भी हैं लेकिन वो बहुत एडवांस लेवल के ऊपर यहाँ पर एग्जामिन होते हैं। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल नॉन करंट एसेट। इसके अंदर आपको रीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन के बाद इम्पेयरमेंट, डेप्रिसिएशन, इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थ्योरेटिकली। ओवरहॉलिंग, इस तरह के इश्यूज आपको
पता होने चाहिए। सिमिलरली IS-38 इंटेंजिबल्स, इंटेंजिबल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि लेटेस्ट जो भी चेंजेस आ रही है उसमें इंटेंजिबल्स का भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। जैसे क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर कोई सवाल बनता है करंट सिनेरियो के अंदर के क्रिप्टो करेंसी को कैसे डील किया जाएगा, तो आपको देखना पड़ेगा क्या वो इंटेंजिबल एसेट तो नहीं है। तो आपके साथ डिजिटल जो भी आजकल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, डिजिटल करेंसीज वगैरह हो रही हैं, उनको भी करंट इश्यूज के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और मॉडर्न टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं। IS-36 ऑलवेज इंपॉर्टेंट इम्पेयरमेंट, F7 के लिए भी इम्पोर्टेंट था, यहाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गुडविल की इम्पेयरमेंट, टेंजिबल एसेट की इम्पेयरमेंट और अदर एसेट्स की इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट का ट्रीटमेंट, CGU एंड रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, इस पर हम एक ज्यादा फोकस करेंगे। अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इम्प्लॉय बेनिफिट, ये न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड F7 के अंदर मौजूद नहीं था, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी स्टैंडर्ड वो हैं जो नए आए हैं उनके ऊपर तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एम्फेसिस करता है एग्जामिनर। एग्जामिनर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान, पेंशन प्लान की अकाउंटिंग, अगर आपने एम्प्लॉयज के लिए पेंशन प्लान क्रिएट किया हुआ है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। IS-21 फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज दो तरह से पूछा जाता है, इंडिविजुअल कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है और फॉरेन सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। IS-12 टैक्सेशन, डेफर टैक्स F7 में कोई खास वेटेज नहीं होती लेकिन SBR के एग्जाम में डेफर टैक्स इज वन ऑफ द की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको हर स्टैंडर्ड के ऊपर डेफर टैक्स की इम्प्लीकेशन का आइडिया होना चाहिए। IS-37 प्रोविजन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कॉन्टिजेंट एसेट, F3 से पढ़ते हुए आता है स्टूडेंट, पहली मरतबा F3 में पढ़ता है, फिर कुछ एडवांस F7 में पढ़ता है और आखिर में SBR के अंदर प्रोविजंस की बात होती है, रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजंस की बात होती है, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बात होती है, इन्वायरमेंटल प्रोविजंस के ऊपर बात होती है। IFRS 2 नया स्टैंडर्ड, शेयर बेस्ड पेमेंट, अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर ऑप्शंस दे रही है तो शेयर ऑप्शंस की अकाउंटिंग किस तरह से होगी, मोस्ट लाइकली स्टैंडर्ड। IFRS 9 F7 में भी मौजूद था, यहाँ पर बहुत डिटेल में IFRS 9 पूछा जाता है, इंक्लूडिंग हेज अकाउंटिंग, इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो कुछ टेक्निकल मसले हैं। IFRS 9 हमेशा से एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर SBR, IFRS 9। अगर कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है तो हम कहेंगे IFRS 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो F7 में भी था, FR में भी था, यहां पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन दोबारा, लीजेस थ्योरेटिकली आपको कैलकुलेशन FR के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हुई होती है, यहाँ पे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव चाहिए होगा कि आपका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव अल्टीमेटली क्या हो सकता है इसके अंदर, लीजेस वाले स्टैंडर्ड के अंदर। अच्छा, अब एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट क्या है, स्टूडेंट विल बी एग्जामिन्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड देयर एबिलिटी टू क्वेश्चन एंड कमेंट ऑन प्रपोज्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी भी स्टैंडर्ड में अगर कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको क्रॉस क्वेश्चन करना है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करनी है, अपनी प्रोफेशनल और एथिकल जजमेंट के हिसाब से देखना है। अगर आपको किसी अकाउंटिंग इशू में कोई इशू आ रहा है तो आप कहें जी IASB का जो फ्रेमवर्क है उसकी आपको बहुत प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये टूल अल्टीमेटली इस्तेमाल होता है स्टैंडर्ड सेटिंग करने के लिए भी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अब हम चलते हैं थोड़ा सा सिलेबस की एक नज़र, सिलेबस पे देखते हैं कि हमारे पास जो सिलेबस मौजूद है उसमें कितना पोर्शन हमारे पास F7 वाला है और कितना पोर्शन हमारे पास जो है वो नया है, FR में है, कितने IAS हमारे सिलेबस में है अलॉन्ग विथ कॉन्सोलिडेशन। तो आपके सामने एक सिलेबस डॉक्यूमेंट यहाँ पे खुला हुआ है विच इज रेलेवेंट फॉर फ्रॉम सेप्टेम्बर 2022 तो जून 2023 एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स। अब देखें यहाँ आपको FR जो आप पढ़ा हुआ है आपने FR में, या SBR इंटरनेशनल आपका पेपर SBR इंटरनेशनल, तो उसमें जो रेलेवेंट आपको स्टैंडर्ड्स नजर आएंगे पहले तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा वो जो आप पहली मरतबा पढ़ेंगे, पहले तो मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूँ। IAS 19 एम्प्लॉई बेनिफिट्स, एम्प्लॉई को जो सैलरी दी जाती है, एम्प्लॉई को जो अदर बेनिफिट्स पे किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टर्मिनेशन पेंशन, उन सब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें पढ़ा जाता है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद एक बहुत छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वेरी स्मॉल वन, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, कि अगर आपके पास कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हो रही है जो किसी ऐसी पार्टी के साथ है जिसको आप अपनी रिलेटेड पार्टी जान पहचान वाली पार्टी कह सकते हैं, तो फिर आप डिस्क्लोजर्स के अंदर उससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड नहीं है, डिस्क्लोजर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसी तरीके से यहाँ पर एक स्टैंडर्ड ये आता नहीं है, IAS 34 इज लाइक एग्जाम अपेयर नहीं होता, बस ऐसे ही है तो उसको कोई खास फोकस किया भी नहीं जाता। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्वार्टरली रिपोर्टिंग में क्या होता है इस तरह से। IFRS 1 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन, जो एंटिटीज पहली मरतबा IFRS एडॉप्ट करेंगी वो क्या करेंगी, ये भी बहुत बहुत रेयर केसेस के अंदर एग्जामिन होता है। IFRS 1 ज्यादातर नहीं पढ़ाया जाता, 34 भी और ये भी। शेयर बेस्ड पेमेंट, अगर आप गुड्स या सर्विसेज एक्वायर कर रहे हैं किसी से और कंपनसेशन आप शेयर्स की फॉर्म में कर रहे हैं, शेयर ऑप्शंस की फॉर्म में कर रहे हैं, तो हाउ टू हैंडल दीज शेयर बेस्ड पेमेंट्स, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये नए नया एरिया है। इसी तरीके से IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, तो FR में नहीं था, पहली दफा एग्जामिनेबल है, ये भी डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अगर एक एंटिटी दुनिया के मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, उसके पास मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट्स हैं, तो उनका सेपरेट डिस्क्लोजर क्यों देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कितने सेगमेंट्स को डिस्क्लोज करना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग वेरी स्मॉल वन, इजी वन। इसी तरीके से ज्वाइंट अरेंजमेंट, अगर हम सब्सिडरी बनाने के बजाय एसोसिएट बनाने के बजाय किसी के साथ ऐसा अरेंजमेंट करें जिसमें हम दोनों ज्वाइंट वेंचर के अंदर पार्टिसिपेट करें, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। यहां पर हम आइडेंटिफाई करेंगे ज्वाइंट अरेंजमेंट की टाइप्स, और ज्वाइंट अरेंजमेंट की टाइप्स आइडेंटिफाई करने के बाद उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो एसोसिएट के साथ होता है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर वाला पार्ट जो है ये SBR के अंदर पहली मरतबा एग्जामिन किया जाता है। इसी तरह कॉन्सोलिडेशन से रिलेटेड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS 13, F7 में इतना लेवल का नहीं है, FR में काफी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से IFRS उन कंपनीज के लिए जिन्हें हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्लासिफाई करते हैं, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशंस होती हैं, उनके लिए सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट्स बनाए जाते हैं, वो सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट्स आपको होने चाहिए। ये तो स्टैंडर्ड्स की बात हो गई IAS और IFRS की। अब देखें जो FR के सिलेबस में जो की एरियाज हैं ना, मैं उसे हाईलाइट कर, की स्टैंडर्ड्स को मैं हाईलाइट करूंगा। ये देखें डेफर्ड टैक्स की स्टैंडर्ड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक्सचेंज रेट का इंपैक्ट, राइट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की प्रेजेंटेशन, इम्पेयरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट, प्रोविजंस, इंटेंजिबल एसेट्स। इसी तरीके से IFRS 5 हेल्ड फॉर सेल, IFRS 7 डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एज आई टोल्ड यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ SBR। इसी तरीके से
रेवेन्यू, इसी तरीके से लीजेस। ये लिस्ट मैंने आपको पहले से ऑलरेडी दी हुई है कि कौन से स्टैंडर्ड्स। अच्छा, इसके अलावा पहले ऐसा होता था कि आपसे एक्सपोजर ड्राफ्ट भी पूछे जाते थे, डिस्कशन पेपर भी पूछे जाते थे, जो नए IFRS बन रहे हैं, जो पाइपलाइन में हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती थी। अब वो डिस्कशन यहाँ पे सिलेबस में मेंशन नहीं। ISB का फ्रेमवर्क वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट कॉमेंट्री और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मटीरियलिटी का क्या इम्पैक्ट होता है, जजमेंट वगैरह किस तरह से ली जाती हैं, ये सारे एरियाज प्रीवियसली SBR में, ये SBR में है, प्रीवियसली FR में नहीं थे। इनमें भी कोई ना कोई पार्ट क्वेश्चन ISB के फ्रेमवर्क से रिलेटेड या मैनेजमेंट कॉमेंट्री, करंट इश्यूज यहाँ पे मेंशन नहीं, लेकिन करंट इश्यूज एज आई टोल्ड यू पार्ट ऑफ द सिलेबस हैं, तो वो करंट इश्यूज का सेपरेट डिटेल स्टडी गाइड के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी, अब यहाँ तक जो भी चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं, आपको जो चीजें पूछनी है इस डिस्कशन में, तो आप यू कैन आस्क नाउ। फिर मैं आपको थोड़ा सा रिसोर्सेज के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ कि आपको रिसोर्सेज क्या इस्तेमाल करने चाहिए, किस तरीके से आपको स्टैंडर्ड को अप्रोच करना है, कंसोलिडेशन आपको किस लेवल की हद तक कंप्लीट करनी है, उसके बारे में बात करें। जी जनाब, देखें जो रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं ना, ऑब्वियसली आप किसी ना किसी ट्यूटर से लेक्चर जरूर लेते हैं, तो आपका पहला जो मेन हथियार है वो है लेक्चर्स। आपको लेक्चर्स, जिससे भी आप लेक्चर्स लेंगे, आपको लेक्चर को प्रॉपरली सुनकर जो भी उसमें चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी उसको रिटेन करना है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कैपलान का स्टडी टेक्स्ट फॉलो कर लें या आप BPP का स्टडी टेक्स्ट फॉलो कर लें। मैं दोनों में इंडिफरेंट रहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन डेप्थ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ सकें, तो आई यूजुअली से कि आप इजी बुक्स बुक पढ़ लें, आप इजी बुक कैपलान की बुक पढ़ लें, आपको काफी इजी लगेगी। तो स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं बुक पढ़ना जरूरी है, तो उसका आंसर होता है ना भी पढ़े तो आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं दैट कंटेन्स दी समरी ऑफ स्टैंडर्ड्स, वही सारी बातें बुक में लिखी हुई होती हैं जो उन समरी ऑफ स्टैंडर्ड्स के अंदर दी हुई होती हैं, आप उनको फिर अच्छी तरह से पढ़ें अगर आप बुक को रेफर नहीं करना चाहते। अलोंग विद ACCA की वेबसाइट पर जितने SBR के टेक्निकल आर्टिकल हैं, मस्ट रीडिंग है उसकी। अगर आपको अपनी थ्योरी अच्छी करनी है, आर्ग्यूमेंट अच्छे करने हैं, तो जितने भी टेक्निकल आर्टिकल्स हैं आपके साथ शेयर किए जाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक, वो आपको लाजमी पढ़ने हैं। यानी कि ये तीन चीजें तो आपके लिए पार्ट एंड पार्सल और मैंडेटरी चीजें, और फिफ्थ आपके पास रिवीजन किट, पास पेपर्स। रिवीजन किट कैपलान की काफी है, मोर देन इनफ। लेटेस्ट एक दो पास पेपर्स देखे जा सकते हैं। BPP किट को रेफर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर सवाल वही होते हैं पास पेपर्स के जो कैपलान के अंदर होते हैं और BPP में होते हैं, तो एक्स्ट्रा बर्डन की जरूरत नहीं है। अगर कोई सवाल आपको कम लगता है, किसी स्टैंडर्ड पे कोई एक ही सवाल दिया हुआ है, तो उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं। और एक सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस के लिए, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, तो एक सोर्स है डिप्लोमा इन IFRS। ACCA का डिप्लोमा होता है IFRS के अंदर, आजकल हमारे यहाँ उसकी भी क्लासेस चल रही हैं, उसके पास्ट पेपर्स आप यूज कर सकते हैं, वो काफी रेलेवेंट आपके लिए हो सकते हैं। ऑल्दो इतने डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन प्रैक्टिस पर्पस के लिए अगर आपको और मटेरियल चाहिए, कंसोलिडेशन के सवाल चाहिए, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। SBR और प्रीवियस P2 का जो पास पेपर है वो सारे यूजुअली किट के अंदर मौजूद होते हैं, जो मौजूद नहीं होते हैं उसको आप पास पेपर से एक्सेस कर सकते हैं। ओरिजिनल IFRS स्टूडेंट इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं अपने अक्सर स्टैंडर्ड्स के अंदर जो डिस्कशन मेरी होती है उसके अंदर अक्सर मैं ओरिजिनल IFRS के एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करता हूँ, बट वो आपके लिए नहीं होंगे। क्या
आप ओरिजिनल आईएएस आईएफआरएस लें और वहां से जाके पढ़ें, लेकिन जिन लेक्चर्स में आपको उनका रेफरेंस मिलता है तो वो पैराग्राफ्स वहां से हम डिस्कस करते हैं जो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं है क्योंकि हर स्टैंडर्ड के अंदर देर आर लॉट्स ऑफ पैराग्राफ्स, एक एक को डीप डाउन जाके पढ़ना वो स्टूडेंट के बस की बात नहीं। इसलिए आपको जो रिसोर्सेज यहाँ पे बताए जा रहे हैं आप उन रिसोर्सेज पे फोकस करेंगे तो आपके पास 50 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। क्वेश्चन जो आपसे जिस तरीके से पूछा जाता है, एज आई टोल्ड यू कि क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होता है, यानी कि एसबीआर पेपर को आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से ज्यादा पढ़ें रादर देन न्यूमेरिकल। समटाइम्स इसका वेटेज, समटाइम्स थ्योरी की वेटेज मोर देन 60% भी हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आप ये एंटिसिपेट करके ना जाएंगे जी 50% न्यूमेरिकल आएगा, 50% थ्योरी आएगी। इवन इफ अगर आप कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ भी रहे हैं उसमें न्यूमेरिकल एलिमेंट भी है, न्यूमेरिकल के लिए वहां पर सिर्फ एक डेडिकेटेड ग्रुप अकाउंटिंग का टॉपिक। ग्रुप अकाउंटिंग किस लेवल पे आपके साथ पूछी जाएगी? और ग्रुप अकाउंटिंग आपको स्टार्ट कब करनी चाहिए? ग्रुप अकाउंटिंग में आपके पास बेसिक इनकम स्टेटमेंट की पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होनी चाहिए कि बेसिक इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, अलोंग विद बेसिक बैलेंस शीट एसएफपी। ये तो आपके एफआर के सिलेबस के अंदर से आ जाते हैं। उसके साथ आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये नई चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती है। फिर अलोंग विद जो नई चीजें आती हैं उसमें आता है स्टेप एक्विजिशन। अभी पिछली अटेम्प्ट के अंदर जो पेपर गया उसमें स्टेप एक्विजिशन पूछा एग्जामिनर, स्टेप एक्विजिशन, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी, ये कुछ नए एरियाज हैं जो एफआर के अंदर मौजूद नहीं थे। स्लाइटली डिस्पोजल एफआर के अंदर होता है हल्का पुल्का। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास आएगा फॉरेन सब्सिडरी, वो आपसे पूछा जा सकता है। गुडविल के ऊपर एग्जाम में ज्यादा फोकस होता है, किसी भी लेवल के ऊपर आपको गुडविल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, गुडविल की इम्पेयरमेंट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, गुडविल कैलकुलेट करते वक्त जो फेयर वैल्यूज अपडेट करनी पड़ती है सब्सिडरी की उसके ऊपर आपको सवाल दिया जाता है, उसके ऊपर कंट्रोल कब हासिल होता है, सब्सिडरी कब बनती है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे हासिल होता है, परसेंटेज के बगैर सब्सिडरी कैसे बनेगी, 45% पे क्या सब्सिडरी बन सकती है, 18 पे क्या इन्फ्लुएंस आ सकता है। तो आप जब स्टैंडर्ड को डेप्थ में जाके और इस तरह से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे स्टैंडर्ड को तो तब जाकर आपको इस तरह के बड़े पेपर के अंदर पास करने में बहुत आसानी हो जाती है नॉर्मल। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछे। अब देखिए ये एक एग्जामिनर रिपोर्ट है मार्च जून 2022 की, ये मैं आपके साथ कुछ इसके एक्सट्रैक्ट शेयर कर रहा हूं। एग्जामिनर रिपोर्ट, एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़नी चाहिए आपको, ये दो तीन पास पेपर्स की। ये आपको बताते हैं कि जी स्टूडेंट ने आंसर कैसे अटेम्प्ट किया, मार्किंग प्रोसेस के बारे में, हाइलाइटिंग द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैंडिडेट्स हु अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, फ्यूचर कैंडिडेट्स को क्या काम करना चाहिए क्या काम नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सट्रैक्ट यहाँ पे शेयर किया, ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 में मेंशन किया जा रहा है कि 30 मार्क्स होते हैं जिसके लिए आपको 54 मिनट्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है आउट ऑफ 3 आवर्स। अब एग्जामिनर अपनी ग्रीवेंसेस बता रहा है, कैंडिडेट्स हाउएवर सीम्स टू गिव दिस क्वेश्चन डिसप्रोपोर्शनेट सिग्निफिकेंस ऑफ
टाइम विद द रिजल्ट दैट कैंडिडेट्स अपियर्स टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस क्वेश्चन देन द अलॉटेड टाइम. द रिजल्ट इज दैट द फाइनल क्वेश्चन ऑन द एसबीआर एग्जाम इज क्वाइट ऑफन पुअरली आंसर्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम अवेलेबल. देखिए हर प्रोफेशनल एग्जाम जो है ना वो टाइम की बेसिस पर चैलेंजिंग होता है. अगर आपको 30 मार्क्स दिए जा रहे हैं तो आप 54 मिनट्स मैक्स 60 मिनट्स के ऊपर ड्रॉप कर दें क्वेश्चन को. आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं आपका रिमेनिंग सवाल जो है ना अफेक्ट होंगे, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते. अ कैंडिडेट इज मोर लाइकली टू पास विद फोर रीजनेबली आंसर्ड क्वेश्चन देन इफ द फाइनल क्वेश्चन इज पुअरली आंसर्ड. यानी कि अगर आपने चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना और आखिरी सवाल आपने छोड़ दिया, छोड़ना अच्छी बात नहीं है बल्कि आपको सारे क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए. हो सकता है कोई पार्ट आसान हो. एग्जामिनेशन टेक्निक्स पे स्टूडेंट फोकस नहीं करते, प्रैक्टिस करके नहीं जाते, मॉक एग्जाम सॉल्व नहीं करते. ये मैं आपको फर्दर इंसाइट दे रहा हूं. अब जैसे 7 मार्क्स के लिए पहला सवाल पूछा गया, आप देखें कॉन्सोलिडेशन का सवाल है लेकिन लिखा हुआ है एक्सप्लेन विथ कैलकुलेशन हाउ द डिस्पोजल ऑफ शेयर्स कुड बी अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2026. तो अब डिस्पोजल की अकाउंटिंग आपको आती होगी तो आप बता देंगे भाई ये डिस्पोजल ऐसे होता है ऐसे नहीं होता, उसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आपको बताना पड़ेगा. कैंडिडेट फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द एक्चुअल अकाउंटिंग एंट्रीज एंड इन पर्टिकुलर द अकाउंटिंग फॉर द एनसीआई विच हैड ऑब्टेन एन एक्स्ट्रा 10% ऑफ शेयर्स, राइट. ओवरऑल द परफॉर्मेंस वॉज इनकरेजिंग डिस्पाइट ऑब्वियस वीकनेस इन सम कैंडिडेट्स आंसर. तो स्टूडेंट नॉर्मली इसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन. अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आखिर में, देखिए क्या लिखा हुआ है. कंक्लूड करें कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो करेक्टली अडॉप्ट किया गया है. ये सवाल स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूछा गया, IFRS 15 रेवेन्यू रिकॉग्निशन. सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपको IFRS का नाम पता है बल्कि आपको उसको सिचुएशन में अप्लाई करना होता है. IFRS 15 अपीयर्स रेगुलरली इन SBR क्वेश्चन. देखिए ये इनसाइड आपको दे रहे हैं. एंड नॉलेज लेवल 3 इज रिक्वायर्ड एज सेट आउट इन द सिलेबस. यानी कि गुड नॉलेज, इवैल्यूएशन, इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन, सिर्फ स्टैंडर्ड का पता होना काफी नहीं. अगला सवाल फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड आया, 4 मार्क्स का कैलकुलेशन. फिर देखें दोबारा डिस्कस विद कैलकुलेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल, जॉइंट वेंचर से रिलेटेड सवाल, IAS 28 एसोसिएट इन जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग. फिर इसका अगला पार्ट 6 मार्क्स के लिए पार्ट पूछा गया, क्या एक्विजिशन को हम बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रीट करेंगे अंडर IFRS 3 कॉन्सोलिडेशन, क्या ये कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एलिजिबल है. अब वो कह रहे हैं दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन द पास्ट. अब आपको ये अंदाजा देना चाहिए कि ये सवाल बार बार आ रहा है फिर भी स्टूडेंट गलत कर रहे हैं. कैंडिडेट नीडेड टू कंसिडर द सिनेरियो अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल टू कंक्लूड. इट इज इम्पॉर्टेंट टू अप्लाई द टेस्ट टू द सिनेरियो एंड मेनी कैंडिडेट्स फेल टू डू सो. सिनेरियो को लिफ्ट नहीं कराया उन्होंने, ठीक है जी. उसके बाद हम पहुंचे अगले 20 मार्क्स क्वेश्चन के ऊपर. अब देखिए यहां पर इन्होंने करंट कुछ चीजें इस्तेमाल की, कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रही है, इंटेंजिबल एसेट के ऊपर सवाल बना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिस्कस द एथिकल एंड प्रोफेशनल डायलेमा
फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेंट इन ओवरसीइंग द लोन मेड टू कस्टमर एंड अप्रोप्रिएट एक्शन टू बी टेकन, एथिक्स का सवाल। दो प्रोफेशनल मार्क्स, टोटल 10 नंबर। इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू इंश्योर दैट कंपनी दे वर्क फॉर इज कंप्लाइंग विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, और वो एथिकल प्रिंसिपल खुद भी फॉलो करे और उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करे जहां पर एथिक्स को फॉलो किया जाता है। अब देखें इसके अंदर आपको अगर मार्क्स लेने हैं तो एडवाइस की जा रही है, इफ कैंडिडेट समराइजेस द की इश्यूज फ्रॉम द सिनेरियो, लिंक दीज इश्यूज विद एथिक्स एंड मोरल प्रिंसिपल्स, सेट आउट द अप्रोप्रिएट एंड सेंसिबल एक्शन, देन वेरी हाई पॉसिबली फुल मार्क्स कैन बी ऑब्टेन। सिनेरियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह फिर आगे उसने डेटाबेस और डोमेन नेम की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछी कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिर 6 मार्क्स के लिए उन्होंने पेमेंट ऑफ द ऐप, देखिए मॉडर्न चीजें ना जो आजकल दुनिया में चल रही हैं उससे रिलेटेड सवाल पूछा गया, गेमिंग ऐप से रिलेटेड, ये इंटेंजिबल एसेट है या इंटेंजिबल एसेट नहीं है। फिर हम पहुंचे सेक्शन बी के ऊपर, द सिनेरियो फॉर दिस क्वेश्चन सेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल रिसेशन। आजकल दुनिया में रिसेशन के बारे में बातें की जा रही हैं, तो ग्लोबल रिसेशन का इम्पैक्ट ट्रेवल कंपनी के ऊपर, क्रूज शिप्स वगैरह के ऊपर, कंपनी लिक्विडिटी क्राइसिस के अंदर है, निगोसिएशन क्रेडिटर के साथ डेट पेमेंट्स के बारे में हो रही है, यानी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर। इसमें उसने 3 स्टैंडर्ड्स की बात कर दी, IAS 36 इंपेयरमेंट, डेफर्ड टैक्स IAS 12, लीजेस IFRS 16। उसके बाद अगला इंपेयरमेंट का थ्योरिटिकल क्वेश्चन IAS 36 इंपेयरमेंट की अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद डेफर टैक्स किस तरीके से पूछा गया या मेंशन किया गया, उसमें क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट ने की। आखिरी IFRS का सवाल, पूरा थ्योरेटिकल सवाल IFRS से, हालांकि IFRS 16 न्यूमेरिकल बेस्ड स्टैंडर्ड ज्यादा है। अब यहां पर आपको एक और एडवाइस दी जा रही है, The marketing found that most candidates were wisely separating their points out and therefore making it easy to award relevant marks. यानि कि हर point को आप separate लिखें. Using paragraphs and subsections is recommended as well as thinking the first few minutes to draft a plan. Haphazard way में writing ना करें. It should by now be common practice for candidates to copy and paste the requirement from the question using bold or a different fonts to identify this form of their answer and refer back to this requirement to ensure that they are keeping on track. Fourth question. अब ये भी scenario based होता है, किसी एक specific scenario पे सवाल आ सकता है। यहां पर उसने current issues का थोड़ा बहुत impact देखें, pandemic का impact, pandemic current issues में आता है, उससे आपके गोइंग कंसर्न के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, ISB के फ्रेमवर्क के साथ कनेक्ट किया हुआ है। पेंडेमिक एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स, IAS 37 ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, पेंडेमिक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इश्यूज, फेयर वैल्यू मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IFRS 13, IAS 40, और भी डिफरेंट इश्यूज। और प्रोफेशनल मार्क्स सेक्शन बी में इस सवाल में 2 प्रोफेशनल मार्क्स इंक्लूड किए गए। तो ये आपका ओवरऑल एक पास पेपर का हमने एग्जामिनर इनसाइट भी यहां से डिस्कस करने की कोशिश की, और प्रीवियस पास रिपोर्ट्स भी आप लोगों को स्टडी करनी चाहिए, इसको भी डिटेल में जाके एक एक क्वेश्चन को स्टडी करना चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंसाइट मिले एग्जामिनर अप्रोच के बारे में, और वो मिस्टेक्स हम दोबारा ना करें जो प्रीवियस स्टूडेंट अटेम्प्ट करके फेल हो जाते हैं। अब एक देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है, मेनी कैंडिडेट्स हु अटेम्प्टेड SBR नॉट फुली प्रिपेयर्ड, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड पढ़े ही नहीं प्रॉपरली,
ये डेप्थ में नहीं पढ़े। द नॉलेज लेवल रिक्वायर्ड इज मेनली एट लेवल 3, विच मीन्स दैट रूट लर्निंग इज नॉट सफिशियंट टू पास द एग्जाम अनटिल एंड अनलेस कि आपकी एप्लीकेशन साइट जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, जो हम अपने लेक्चर्स के दौरान जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हैं तो उसको अप्लाई करते हैं कि कैसे हम एक सवाल अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम।